सरकार को या हमारे किसी भी आदमी का कोई नुकसान हो ना, हम ऐसा काम करते हैं। हम फौजी हैं, प्रशासन में रहना हमें पता है कैसे रहा जाता है। और रेल रोको का आंदोलन का मतलब ये है, रेल को रोक देंगे, कोई ऊत पात ब्लूत जो उसमें अंदर जो बैठे होंगे ना, वो उनको पानी भी पिलाएंगे, और किसी को भूख लगे तो भूख रोटी भी खिला देंगे, और कहीं को चाय भी पिला देंगे। हम फौजी आदमी हैं, परंतु ऐसा नहीं कि हम जंतर पर पिछले 235 दिनों से वन रैंक वन पेंशन की याद में बैठे हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी ना कभी तो हमारे तरफ ध्यान देंगे, पर पता नहीं कहाँ से आ गए, सो गया। वोट लेने के टाइम तो वो जागता है, अभी वोटों का भी टाइम है, पता नहीं जागेगा कि सो ही रहेगा। पर तो इतना जरूर बता दें, जगा देंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। आप 235 दिनों से जगाने का काम डीएम एसडीएम लेखपाल पटवारी पार्लियामेंट मेंबरों किया, आप लोगों का अब तक कोई मांगे मानी गई या नहीं मानी? देखो अभी तक कुछ नहीं माना गया, बल्कि उल्टी हमारे ऊपर आरी चल रही है, आरी इस तरीके की चल रही है कि जैसे जेसीओ साहबान है और हम भी हैं बीच में जवान है, जो हमारे को ये पूरे का पूरा खतरा है। जैसे दूसरों की पीएफ उनकी पेंशन बंद कर दी ना, सीआरपी आरपीएफ पुलिस और मास्टर जैन मास्टर, कहीं हमारी भी। कहना चाह रहा हूँ, जयपुर के अंदर प्रधानमंत्री जी एक रैली से बोले थे कि मैंने पूर्व सैनिकों को जो है 65,000 करोड़ रुपए दे दिए, और उसके बाद में 20 दिन बाद 15 अगस्त आ जाता, 15 अगस्त पे जो है मोदी जी बोलते हैं 17,000 करोड़ रुपए दे दिए गए, तो आप लोगों को अब तक कितने पैसे मिले? प्रधानमंत्री जी ने किसको दिए ये तो भगवान जानता है, हमारे को तो जवानों को तो मिले नहीं, ना जेसीओ को मिले, जवानों को थोड़े थोड़े 1,000 दो 2,000 1,200 1,500, और जो जेसीओ हैं उनकी मेहनत में चली गई। और प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैंने इतने दे दिए, प्रधानमंत्री जी कहीं सो कर तो सपने में तो नहीं ये बात कह रहे? हमको तो ये प्रधानमंत्री को सपना आया कि मैंने 65,000 करोड़ दे दिया, हमने 70,000 करोड़ दे दिया। अगर इतना दे दिया तो हमारे को 235 दिनों से यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? हमारे को नहीं मिले प्रधानमंत्री जी, मोदी जी जिसको दिए उनसे पूछो। कभी कहता था राजीव गांधी, वो क्या कहता था कि मैंने 1 रुपया भेजता हूँ तो 10 पैसे आगे पहुँचते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी आपने तो 65,000 करोड़ 70,000 करोड़ दिया, किसको दे दिया? काला धन तो था ही नहीं जिसको आपने दे दिया, ये आपने किसको दिया? सैनिकों को दिया है, पूर्व सैनिकों, पूर्व सैनिकों को नहीं दिया, हमारे को तो मिला नहीं, किसी को दिया है अफसर लूबी अफसर साहबानों को, उनसे ले लो, हमारे पास नहीं आया है। बार बार हमारे को ऐसे बोलोगे तो हमारे से कोई ना कोई उल्टा शब्द भी मुंह से निकल जाता है। और पंजाब के अंदर एक बैठक के अंदर कहा गया है कि अगर क्या नाम 5 राज्य के जो चुनाव आ रहे हैं इससे पहले अगर हमारे को वन रैंक वन पेंशन में विसंगतियां दूर नहीं की गई तो हम खुलकर वो करेंगे, क्या नाम इसका विरोध करेंगे। हम खाली विरोध नहीं करेंगे, हम सारी उल्टी गिनती करेंगे। विरोध तो वो होता है कि हम किसी को जाके ऐसे वोट दूसरे खाते में डाल देंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी जी आपको 2 बार बनाया है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट है कहीं 3-3 बार भी बना दिया आपके आने पर, और जब हम 2-2 3-3 बार बनाएंगे तो आप हमारी तरफ ध्यान नहीं करोगे, तो हमारे पास वो इलाज है, ये बहुत काम की चीज़ है, ये कभी इधर दब जाएगा कभी इधर भी दब जाएगा, सीधी सी बात कह रहे हैं। हम कोई राजनीति नहीं है, 235 दिन से यहाँ बैठे हैं, किसी राजनेता की किसी अफसर की हिम्मत नहीं है कि हमारे अपने हमारे धरने के ऊपर पाँव भी रख जाए। अरे आप दिल्ली में बैठे हो, यहाँ से सारा 200 गज दूर है, यहाँ तक नहीं आ सकते। अगर तुम्हारे को टांगों की तकलीफ है उसको तेल भी हम यहीं लगा देंगे, और हमारे पास आओ, हमारी आवाज़ को सुनो। अब जो आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव है, अगर पूर्व सैनिकों को ये विसंगतियाँ दूर नहीं हुई तो उनको कैसे देखें? उसको आपको आप भी साफ साफ सुन लो और वो भी साफ साफ सुन लें, अगर हमारे को पेट में कुछ नहीं ना मिलेगा तो उसका इलाज आपको भी पता है क्या होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी को भी पता था, हमें भी पता है कि वो इलाज क्या उसका है। कोई भी फौजी आदमी आजकल शायद 28,500 बोलते हैं, 28,000 नहीं 32,000, पूरे 32,000 भूतपूर्व सैनिक हैं,
इनमें से सभी, कोई कहाँ रैली कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, कोई कहाँ कर रहा है, कोई भी आदमी प्रधानमंत्री मोदी को वोट नहीं देगा अगर हमारी आवाज को ना सुना गया। साफ साफ कहना चाहता हूँ। और एक और है हमारे को, तो एक और आपने देखा भी होगा, हमारे इधर चंडीगढ़ में एक जो जज था उसने हमारी आवाज उठाई, उन्हें हमारे हकों की बात की और उसने एमओडी को तलब किया, तो एमओडी ने रक्षा मंत्री की मदद लेकर उस जज को कलकत्ता भेज दिया। और जब फिर वो हरकत हुई, फिर हरकत के बाद फिर वही जज वो चंडीगढ़ में पहुंच गया। ये सरकार हमारे साथ, और रक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि ऐसा करना पड़ता है। जब रक्षा मंत्री कहेगा, खुद कहा है, उस रक्षा मंत्री को हम वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। और उसका ये देखा है, अब्दुल कलाम जी से मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ये देखा है, इतना बड़ा उसका मुंह है, ऐसे ऐसे उंगली टूटी हुई होती है ना, ऐसे बोलता है। फिर हमारे को दुखी हो रहा है, कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, और क्या करें। ये भी हो सकता है कि आप 2024 में उनको तीसरी बार लाए, हो सकता है मांगे पूरी कर दे आप लोगों की। वाह जी वाह, हम तो बार बार देते रहे और वो लेते रहे, अभी वो काम नहीं होगा। हम पढ़े लिखे आए हैं, अनपढ़ नहीं है, पहले कभी थे अनपढ़, आजकल तो अफसरों से ज्यादा मरे जवान पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी जितना तो लोग मोदी जी का विरोध क्यों करते हो? अगर मोदी जी ने पूर्व सैनिकों को दिया है तो कुछ दिया, इससे पहले की सरकार जो कांग्रेस थी उसने क्या आप लोगों के लिए किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया होता तो अपने कलाम जी यहाँ नहीं बैठे, 235 से दिया ही नहीं है तभी बैठे हैं। नहीं तो उन्होंने झूठ बोला, 17,000 बिल्कुल झूठ बोला, जिनको दिया उनसे जा से ले लो। अच्छा, हाँ हमारे को नहीं दिया, अगर हमारे को दिया हम क्यों बैठेंगे? इतने तो पागला मैं नहीं यार। 35 दिन हो गए आप लोगों ने डिसिप्लिन में बिल्कुल चले ना, सरकार के अगेंस्ट चले, बिल्कुल तरीके से चले। अरे हम आप लोग जो है एक आह्वान कर रहे हैं, रेल रोको अभियान चलाने वाले हैं, इसकी तैयारी चल रही है, ये कहाँ तक सही है? सुनिए, हम और पुलिस वाले जो इस बेल्ट में बंद रहते हैं ना, हम कभी उत्पाद नहीं कमाते, हम शांति से रहते हैं, जो काम शांति से होगा वो हम करें। रेल रोको का ये है सरकार को जगाने का, रेल तोड़ने का हमारा काम नहीं है, बिल्कुल नहीं, हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे हमारी सरकार को या हमारे किसी भी आदमी का कोई नुकसान हो, ना हम ऐसा काम करते हैं। हम फौजी हैं, प्रशासन में रहना हमें पता है कैसे रहा जाता है। और रेल रोको का आंदोलन का मतलब ये है, रेल को रोक देंगे, कोई ऊत पात ब्लूत जो उसमें अंदर जो बैठे होंगे ना, वो उनको पानी भी पिलाएंगे, और किसी को भूख लगे तो भूख रोटी भी खिला देंगे, और कई को चाय भी पिला देंगे। हम फौजी आदमी हैं, परंतु ऐसा नहीं कि हम तोड़ फोड़ करेंगे या ऐसा काम करें, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपसे सवाल करूंगा, सरकार को क्या मैसेज देंगे इस जंतर मंतर की धरती से? आप लोगों का धरना प्रदर्शन 235 दिन हो गया, क्या संदेश? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी कहना है, अगर हमारे को अपने से दूर मत करो, अगर हमारे को दूर करोगे आप भी पछताओगे, हम तो पछता रहे हैं। हमारे को अपने साथ लगा लो, हमारी रिक्वेस्ट है, आप आगे मान जाओ, अगर नहीं मानोगे तो पहले 2 बार बना दिया, तीसरी बार हमारी बात नहीं मानोगे तो बिल्कुल साफ कर देंगे, ये साफ साफ कह रहे हैं। जनरल सतवीर के बारे में बताएंगे को? अरे यार, जनरल सतवीर के बारे में क्या कहूँ, बथेरी उनको गाली दे दिया, अभी कुछ नहीं दिल करता उनको कहने को। मेरे 22,000 रुपये हैं, अगर वो दे देंगे तो उनका धन्यवाद, नहीं दे देंगे तो ना सही, और कुछ नहीं। अभी वो अभी हमारे हक में आने लग गया, उसको पता चल गया कि इनके बिना मेरा गुजारा नहीं है। अभी लेटर मारा दिया है, मैंने लेटर देखा उनका, उसकी वीडियो भी देखी है कि मैं जवानों के लिए मरूंगा, जो गलती हो गया पीछे ठीक है, गलती तो नहीं मान रहा वैसे, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे हक में आऊंगा, चाहे आप मेरे को मेरी इज्जत करो चाहे ना करो। वैसे आ रहा है हक में, अभी मैंने देखा खुद उनको। जनरल बख्शी भी आ रहे हैं क्या? जनरल बख्शी अभी तक नहीं आया, वो अभी दूर ही हमारे से, वो मूछों को ताप वहीं देता रहता पता नहीं। नेशनल मीडिया पे आप लोगों की बात तो नहीं रखते हैं? वो नेशनल मीडिया को, मीडिया का तो मेरा मत पूछा करो, मेरा दिल करता है कि मीडिया तो ख़त्म हो जाए तो अच्छा। सारे पैसे लेके सरकार से हमारे से हमारा नाश करके इस मीडिया ने रख दिया। कम से कम हम तुम्हारे ही भाई हैं, तुम्हारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारी आवाज़ को तो सुनना चाहिए, उनको कभी नहीं सुनी उन्होंने, कभी नहीं सुनी। पीछे ना मैं आपको एक और बता देता हूँ, मैं अभी हुड्डा साहब के पास गया था, मैं जाता रहता हूँ क्योंकि वो हमारे इलाके का बहुत अच्छा आदमी है, मुख्यमंत्री भी रहा है,
और उसका अध्यक्ष है, उसका बेटा एमपी है, तो मैं उसके घर में गया तो वहाँ मेरे को आज तक वाले, और एक फोकस चैनल है ना, मैंने उनको बोला बाजू से पकड़ कर, लड़की थी वो, मैं बेटे हमने क्या बिगाड़ा है आपका, वो बोलती है कुछ नहीं, मैं कहा फिर हमारे को आप नेशनल मीडिया में क्यों नहीं दिखाते, कहती क्या क्या बोलना चाहते हैं आप, मैं कहा जंतर मंत्र पा जाओ वन रैंक वन पेंशन के लिए, तो क्या करती है वो देख रहे हैं मेरी तरफ इधर देखो, बोलती है ऐसे करगी, ऐसे हाथ जोड़गी मेरे आगे, बोलो हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ तक उनको कोई इतना डराया हुआ है, इनके बारे बोल दिया तो समझो कि तुम्हारी खटिया खत्म। आप ये सोचो पत्रकार ऐसे ऐसे कानों को हाथ लगा रहा है। तो फिर मैंने बोला भी ठीक है बस की बात नहीं है, उसको फिर लड़की थी वो, मैंने ठीक है आप जाओ भी अपना काम करो, और क्या कह सकते हैं। हाँ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।